सीएम नीतीश कुमार के बदले सुर, कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी को बताया दोस्त, कहा जब तक जीवित हूँ बीजेपी से दोस्ती जारी रहेगी। क्या इंडिया की नींव रखने वाले नीतीश फिर मारेंगे पलटी? आखिर क्या है नीतीश कुमार का एजेंडा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मंच से राष्ट्रपति की मौजूदगी में अपने बयान से राजनीतिक पंडितों की नींद हराम कर दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार के सुर बदले बदले लग रहे हैं। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार मोतिहारी पहुंचे, जहां महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि वे जब तक जीवित रहेंगे तब तक बीजेपी के लोगों से उनकी दोस्ती रहेगी। उन्होंने ये बातें मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के दौरान कही। MGCU की स्थापना का इतिहास बताते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में केंद्र ने कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की योजना बनाई। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब बिहार में NDA की सरकार थी। नीतीश ने कहा कि उस समय बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात हुई। उन्होंने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सुझाव दिया कि मोतिहारी में इसकी स्थापना की जाए, क्योंकि यह महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है। यहीं से उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की शुरुआत की। सीएम नीतीश ने कहा कि उस सरकार की केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री से उन्होंने कई बार मुलाकात की, उनके घर में खाना तक खाया, लेकिन शिक्षा मंत्री ने गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना को मंजूरी दी। नीतीश की मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लगातार टाला गया। नीतीश ने बताया कि जब केंद्र में वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। फिर 2016 से यहां अन्य कार्य आरंभ हुआ। उन्होंने कहा कि वे चंपारण को लेकर हमेशा प्राथमिकता देते आए हैं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम भी उन्हीं का सुझाया हुआ था, जिसे स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि वे जब तक जीवित रहेंगे तब तक चंपारण की इज्जत करेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश ने वहां बैठे भाजपा के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे जब तक जीवित रहेंगे तब तक उन लोगों से दोस्ती रहेगी। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 300 एकड़ भूखंड जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को लेकर अधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। वहीं दीक्षांत समारोह में उपस्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुरोध किया कि वे पुनः बिहार आएं, विशेषकर महात्मा गांधी की कर्मस्थली पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में उन तमाम जगहों को देखें जहां गांधी ने काम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।